आप सभी लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, हाल ही में निकाली गई है। उसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में। याद रखिए, इसे ये निकालती है IQ एयर, जो संस्था है स्विट्जरलैंड की। तो ये देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा भारत है, आपको पृथ्वी पर हमारा भारत ये है, एशिया में, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे यूरोप में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड। कहाँ है स्विट्जरलैंड? ये है आपका स्विट्जरलैंड। और इसकी अगर मुख्यालय की बात करें, IQ एयर जो संस्थान है, तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा एक गोल्ड एच में। कहाँ है गोल्ड एच? ये आपको देखने को मिलेगा गोल्ड एच, दिखाई देगा, ये है गोल्ड एच आपका। तो इस तरह की संस्था कभी भी जो भी रिपोर्ट निकालती हैं, उनके बारे में जरूर याद रख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं और हमेशा बनते रहते हैं। तो इसके बारे में हमेशा याद रखिए कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा गोल्ड एच स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है रिपोर्ट में? कहा गया है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें, तो जो हमारी दिल्ली है, इससे दर्जा मिला हुआ है, नंबर वन पर बनी हुई है, ठीक है। और अगर बात करें कि 30 टॉप शहरों में, प्रदूषित शहरों में, तो हमारे यहाँ के 22 शहर शामिल हैं। यानी कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 हमारे अकेले शामिल हैं, भारत के। आप समझ रहे हैं? तो ये हाल है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 70 लाख लोगों की मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। चलिए, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 आपके भारत के हैं, यानी कि हमारे इंडिया के हैं। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे कि 106 देशों को शामिल किया गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि 106 देशों के आंकड़े इकट्ठे करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और याद रखिए, 106 देशों से PPM 2.5 डेटा एकत्रित किए गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर PM 2.5 क्या होता है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि PM 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जो कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है। और आपने कोरोना महामारी के बारे में भी सुना होगा कि कोरोना वायरस भी हमारे बाल से कई गुना छोटा है, फिर भी हमारी औकात याद दिलाती है। समझ रहे हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और हमारे देखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह डायबिटीज का भी एक कारण होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। आप केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि आप लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यह कण निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत आदि जैसे कुछ स्रोतों से सीधे उत्सर्जित होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं। और अधिकांश कण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की जटिल प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो बिजली संयंत्रों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक होते हैं। अब इससे रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। अगर देशों की राजधानियों की रैंकिंग की अगर बात करें, तो दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ये है आपकी, कहाँ है आपकी दिल्ली, यानी कि हमारी राजधानी है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा दिल्ली। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दिल्ली से, राजधानी से, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ये है नई दिल्ली, ठीक है, ये आपका हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः ढाका बांग्लादेश, उलान बटार मंगोलिया, काबुल अफगानिस्तान और दोहा कतर का स्थान आता है। आप देखेंगे ढाका, ये देखिए बांग्लादेश, ये है हमारा प्यारा पड़ोसी, ठीक है। इसी के ढाका की राजधानी की बात की जा रही है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको एशिया में ही देखने को मिलेगा मंगोलिया, चाइना के ऊपर मंगोलिया, इसकी उलन बतोर की बात की जा रही है। उसके बाद आप जाएंगे तो एशिया में ही आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा भी लगती है छोटी सी, यह है काबुल, ठीक है। उसके बाद कतर की अगर बात करें तो ये आप आएंगे खाड़ी देशों में, तो यहाँ आपको कतर दोहा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्रमशः याद रखना है कि सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो दिल्ली है आपका, उसके बाद आपका ढाका बांग्लादेश की राजधानी है,
उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उसके बाद आप देखेंगे दोहा कतर की राजधानी है। ठीक है, अगर देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे पड़ोसी देश का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान और भारत टॉप पर बने हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश। आप लोग ये भी जानते होंगे कि 1947 से पहले ये पूरा एक हुआ करता था, इंडिया में शामिल था। तो आप कह सकते हैं कि एशिया में और विश्व में इंडिया पहले नंबर पर बना हुआ है। 1947 के पहले की बात कर रहा हूँ। फिर आपने देखा है कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था। फिर आप जाते हैं 1971 में बांग्लादेश नया देश बन के उभरा था। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। और इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, सबसे कम प्रदूषित देशों की बात करें तो इसमें प्यूरेटोको रिको है, और उसके बाद क्रमशः न्यू कैलेडोनिया और अमेरिकी वर्जिन आईलैंड है। ठीक है, अगर इनकी भी बात करें, आपको इनका भी मैप में अगर स्थिति बताऊं तो आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ से जाइए आप लोग, और उत्तरी अटलांटिक महासागर है आपका, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी पुर्तो रिको भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये है, इसी की बात की जा रही है। उसके बाद आप जाएंगे, देखिए न्यू ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे आप लोग, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन सभी देशों के बारे में, न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, अभी इन सभी देशों के बारे में क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी याद होना चाहिए। क्या होता है कि जब भी कभी इनके बारे में चर्चा में आते हैं ये, तो आप लोग तुरंत मैप में देख लेंगे, अच्छा हाँ ये देश वहाँ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखा करिएगा। और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, चीन का होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, और इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला शामिल है। तो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि अगर प्रदूषित राजधानी की बात की जा रही है तो टॉप पर आपका दिल्ली बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि विश्व के शहरों की अगर रैंकिंग पूछे तो इसमें टॉप पर आपका होटन है जो चाइना का शहर है, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर शहरों में हमारा गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। ठीक है, भारतीय परिदृश्य की बात करें तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 15% की वृद्धि हुई है। दिल्ली को 10वें सबसे प्रदूषित शहरों और विश्व के शीर्ष प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद आप देखेंगे बुलंदशहर हो गया, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ का स्थान आता है। एक तरह से यानी कि उत्तर प्रदेश भी काफी आगे है। 2020 के अधिकांश दिनों में उत्तर भारतीय शहरों की तुलना में दक्कन के शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दैनिक सीमा, ये आपको देखने को मिलेगा, सीमा है आपकी 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। हालांकि भारत के प्रत्येक शहर में वर्ष 2018 और उसके पहले की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, जबकि 63% शहरों में वर्ष 2019 की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से सुधार देखा गया है। भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे, परिवहन हो गया, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग निर्माण, कृषि अवशिष्ट जलाना आदि शामिल है। सीधा सा कहने का मतलब है कि किस कारण इतना वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो यही मुख्य कारण होते हैं। वर्ष 2020 में यानी कि 2020 में बड़े पैमाने पर कृषि अवशिष्ट जलाए गए, और इसके अंतर्गत किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों में आग लगा दी जाती है। पंजाब में इस प्रकार की घटना में वर्ष 2019 में 46.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि फसल जो कट जाती है उसके बीच जो अवशिष्ट बचता है एक तरह से, उनमें आग लगाना बहुत आसान होता है और बहुत कम खर्चीला होता है। लेकिन इससे याद रखिए, फसल की आगे जो भी आप फसल बोते हैं उसकी उत्पादन क्षमता भी घटती है, और आप समझिए वायु प्रदूषण भी फैलता है, और आप समझ सकते हैं कि मृदा प्रदूषण भी इससे बढ़ता है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि इसमें आपने देखा है कि जब भी आप फसल, जैसे गेहूं को ले लीजिए, गेहूं आपने काट दी, उसके बाद ठूंठे बचे हुए हैं, तो उसे आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह की कई मशीनें आ चुकी हैं कि उन्हें आप लोग मिट्टी में मिला दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बरसात होगी, वो देसी खाद में बदल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि देसी खाद फसल के लिए कितना लाभदायक होता है, और मुझे लगता है कि इस पर आप देख रहे हैं कि सरकार भी सब्सिडी इस तरह की मशीनों पर दे रही है, तो इस तरह की आपको करना चाहिए। और यहाँ आपका एक और शब्द आया हुआ है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो याद रखिए इस तरह के जो भी आपके संगठन है इनके बारे में भी याद रखा करिएगा।
तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और आप सभी को मालूम होगा कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और इसके अगर मुख्यालय की आपसे बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस पर वायु प्रदूषण पर हम लोग कोविड और इसके प्रभाव की बात करें तो वर्ष 2020 में कण प्रदूषण के संपर्क में आने से कोविड-19 के प्रसार में नई चिंताओं को जन्म दिया है, जो वायरस के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को बढ़ाता है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि कोविड-19 से और वायु प्रदूषण जोखिम के कारण मृत्यु का अनुपात 7% से 33% तक है। और दिल्ली में अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की कि दिल्ली में आखिर कहाँ से वायु प्रदूषण किन कारणों से फैलता है, तो दिल्ली NCR और गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण एक जटिल घटना हो गई है जो कई कारकों पर आप निर्भर करती है, और आप सभी लोग भी जानते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब भी आपको मालूम होगा, और अगर दिल्ली से बाहर किसी शहर में रहते हैं तब भी आपको मालूम होगा। कहते हैं कि दिल्ली में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इसमें एक कारण है आपका पवन की दिशा में परिवर्तन। उत्तर पश्चिम भारत में अक्टूबर माह में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व की तरफ होती है। ये हवाएं अपने साथ उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लेकर आती है और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। और इसमें याद रखिए, इस तरह के पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए तो पूछ ही लेता है, लेकिन आपसे जब भी आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो या निबंध लिख रहे हो तब भी इस रिपोर्ट में कई आंकड़े दिए गए हैं जिनका उपयोग आप लोग कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। दूसरा इसमें कारण आप दे सकते हैं कि हवा की गति में कमी। उच्च गति वाली हवाएं प्रदूषकों को हटाने में बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन सर्दियों में आप देखेंगे कि ग्रीष्म काल की तुलना में हवा की गति में गिरावट आ जाती है और जिससे यह क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है। दिल्ली आप देखेंगे चारों तरफ से भूभाग से घिरा है और इसे देश के पूर्वी पश्चिमी या फिर दक्षिणी हिस्से के खुले मौसम का लाभ नहीं मिल पाता है। ये भी एक कारण है आपका दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे प्रदूषित होने का। पराली दहन की बात करें तो पराली यानी कि फसल के अवशेषों को जलाने की बात कर रहा हूँ। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में जलने वाले कृषि अवशिष्टों को सर्दियों के दौरान दिल्ली में धुंध का एक प्रमुख कारण भी मान सकते हैं, माना भी जाता है, और इससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जहरीली प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिनमें आप देखेंगे मैथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर आप देखेंगे बाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो गया, या फिर कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया जैसी हानिकारक गैसें शामिल रहती हैं। बरसों से आप देखेंगे धान के ठूंठ हो गए, या फिर आप किसी भी फसल के देख सकते हैं को खेत से हटाने या साफ करने के लिए उसमें आग लगाने की विधि को अन्य निपटान के तरीकों से आसान और सस्ता माना जाता है। लेकिन आसान और सस्ते के चक्कर में आप देखेंगे कि एक दूसरी तरफ हम लोग भारी नुकसान झेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आप देखिए 70 लाख लोगों की दुनिया में मौत होना बहुत बड़ी बात होती है, और दिल्ली के हाल तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें आप लोग यहाँ यही कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि इन्हें फसल को आप लोग जो भी ठूंठ बचता है, जो भी अपशिष्ट बचता है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए तो इससे क्या होगा कि देसी खाद भी बन जाएगा, ठीक है। और वाहन प्रदूषण की बात करें तो ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली की छोड़ी आप लोग पूरे भारत में ही देख सकते हैं आप लोग किस तरह से वाहनों की बढ़ोतरी हो रही है, और आप देखते हैं कि चलेगा तो वायु प्रदूषण तो फैलेगी। वाहन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सर्दियों में खराब करने वाला सबसे बड़ी कारणों में से एक है, और इस क्षेत्र में कुल PM2.5 कणों के लगभग 20% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। क्या वाहन प्रदूषण। फिर आप देखेंगे धूल के तूफान। खाड़ी देशों से आने वाली धूल के तूफान यहाँ की पहले से खराब स्थिति को और बद से बदतर कर देते हैं एक तरह से, और बारिश के दिनों में विशेषकर अक्टूबर और जून के बीच नहीं दिखने वाला धूल का प्रकोप शुष्क ठंडे मौसम में प्रभावी हो जाता है। धूल प्रदूषण PM10 हो गया या PM2.5 हो गया कणों के लिए लगभग आप देखेंगे 56% तक जिम्मेदार है। तापमान की कमी की अगर हम बात करें तो वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के बढ़ते इस स्तर का एक प्रमुख कारण है। जैसे ही आप देखेंगे तापमान बढ़ता है तो पितिलोम ऊंचाई वह परत जिसके ऊपर प्रदूषक वायुमंडल में फैल नहीं सकते कम हो जाती है, और ऐसा होने पर हवा में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। फिर आप देखते हैं कि पटाखे, ये तो आप भी जानते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब भी माहौल खुशी का माहौल होता है तो आप लोग पटाखे फोड़ देते हैं। पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद
इनका इस्तेमाल दिवाली पर होना एक आम बात है। हालांकि यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान जरूर करते हैं। फिर आप देखेंगे निर्माण गतिविधियां और खुले में अपशिष्ट को जलाना। शहरों के बारे में तो अक्सर आप लोग देखते रहते होंगे, बड़े कूड़े के बड़े बड़े टीले लगे रहते हैं, उसमें आग भी लगी रहती है। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से धुआं उठता है तो कहाँ जाएगा, ठीक है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हवा में धूल और प्रदूषण बनने का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। दिल्ली में कचरे की लैंडफिल साइटों में कचरे को जलाना भी वायु प्रदूषण का एक मेन कारण है, ठीक है। इसके क्षेत्र में अगर इन्हें कम करने की बात करें, उठाए गए कदम की बात करें कि वायु प्रदूषण को या इस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए अभी तक, तो इसमें आप देख सकते हैं टर्बो हैप्पी हैप्पी सीडर, यह ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है, और खरीदने के लिए किसानों को ये मशीन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है, ठीक है। और दूसरी आप देख सकते हैं वाहनों से होने वाली प्रदूषण कम करने के लिए BS6 वाहनों की शुरुआत करना और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑन ईवन का प्रयोग पूर्वी एवं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का निर्माण करना शामिल है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और इसमें थर्मल पावर प्लांट बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। और इसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का विकास करना, और इस सूचकांक के अंतर्गत आप देखेंगे 8 वायु प्रदूषकों जिसमें आपका PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल किया गया है। अब आगे की राय क्या हो सकती है, तो इसमें इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता और अधिक से अधिक पारदर्शिता का होना एक प्रमुख शर्त बना हुआ है, और अन्यथा सभी उपाय केवल कागज पर ही रह जाएंगे। एक तरह से आप उन्हीं तरह से समझ सकते हैं कि योजनाएं हजारों बन जाती हैं, नीतियां कई तरह की बनती हैं, लेकिन वो धरती पर किस तरह से लागू हो पा रही हैं ये दूर की बात रहती है। अगर आप समझिए कि सभी नेता एक तरह से इन्हें नीचे से लेकर जो भी प्रशासन है सभी इसके प्रति जागरूक रहें, जिम्मेदार रहें, तो आप समझ सकते हैं कि सभी योजनाएं हों कि नीति हों उनका फायदा नीचे नीचे के जो भी तबके हैं उन तक पहुंच सकता है। तो यही इनका भी है, वरना आप समझिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की नियम बनाए जाएं, नीति बनाई जाए, अगर उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं तो वो धरी की धरी रह जाएंगी। सक्रिय नागरिकों की तुलना में कोई बेहतर फेरी नहीं हो सकता है, इसलिए प्रदूषण को लक्ष्य हर साल सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में इसका मूल्यांकन किया जा सके। और आप सभी भी जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने चलाया था। अगर आप समझिए कि उससे अगर सफलता मिली है तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत से बहुत 5% श्रेय दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को, बाकी जनता को पूरा 95% जाता है। अगर जनता जागरूक ना होती तो कभी भी इस क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते थे। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसलिए मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत आपको ये एक तरह से मौलिक अधिकार में मिला हुआ है। और एक बात और आपको बताऊं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है। आपने देखा होगा कुछ समय प्रीलिम्स में पूछा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी मनमर्जी से शादी करनी है, यानी कि लव मैरिज, तो किस आर्टिकल के तहत उसे ये अधिकार मिला हुआ है, तो आप जानते हैं एक आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है पहले, तो इस तरह के जो भी टॉपिक चर्चा में रहते हैं उनके बारे में विस्तार से जान लिया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसे यही आपको पॉइंट याद रखना होगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में, ठीक है।